बहुत सारे लॉज जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए दिए गए थे, उसके बाद एक कोशिश की गई साइंटिस्ट्स के द्वारा कि एक रेडिएशन कर्व बनाया जाए, और उसको सारा लिया गया क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो एक थ्योरेटिकल अटेम्प्ट वाज मेड टू कंस्ट्रक्ट द शेप ऑफ एनर्जी स्पेक्ट्रा एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो कोशिश की गई कि एक कर्व बना जाए एनर्जी स्पेक्ट्रा का एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, और उसको क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाने की कोशिश की गई है। तो वहां पर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एक कोशिश की कि एक रेडिएशन कर्व बनाया जाए ब्लैक बॉडी का, और उसी को हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो वो थे दैट इज वेंस कंट्रीब्यूशन, जिसे हम पढ़ेंगे आज। दूसरा था रेले जीन्स कंट्रीब्यूशन, और थर्ड है दैट इज द प्लैंक्स कंट्रीब्यूशन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम केवल ये दो डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो वेंस कंट्रीब्यूशन और रेले जीन्स कंट्रीब्यूशन, इन दोनों को आज हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर एक कोशिश की गई है कि एक रेडिएशन कर्व को बनाया जाए इन रिस्पेक्ट टू विद द वेवलेंथ, द फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ। तो उसको कुछ पिछले हमने वीडियो लेक्चर में भी हमने देखा था कि जो रेडिएशन कर्व होता है, अगर हम एक एनर्जी के रेस्पेक्ट में बात करें और वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में बात करें, तो जैसे अगर सपोज दिस इज द लैम्डा यानी वेवलेंथ, और यहाँ हम एनर्जी के टर्म में बात करें, तो हमारे पास कुछ ग्राफ्स आ रहे थे। वो कुछ ग्राफ इस तरीके से थे, जो कुछ कर्व हमारे पास कुछ ऐसे आ रहे थे, और इसी को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था। तो कुछ इस तरीके से हमारे को कर्व्स मिल रहे थे। तो यहाँ पर देखा था कि यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है, सपोज इट इज सपोज T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, और ये टेम्परेचर T3 है। तो यही हमने देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो वेवलेंथ कम होती जाती है, वो डिक्रीज होती जाती है। तो इसी का ये जो कर्व्स है, इसको बनाने की जब कोशिश की गई है, तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस और कुछ उन्होंने जो एक्सप्रेशन ड्राइव किए थे, उसी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, कि उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था एक एक स्पेक्ट्रा बनाने के लिए, टू कंस्ट्रक्ट द शेप ऑफ एनर्जी स्पेक्ट्रा एज अ फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ। तो चलो पहले सबसे पहले हम वेंस कॉन्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। इसको पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने इसको लॉ को पढ़ा था, वेंस लॉ को। तो वहां हमने देखा था कि जो लैम्डा मैक्स होता है, जो लैम्डा मैक्स है इनटू टी, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हमने पिछला वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, जहां पर ये जो कांस्टेंट है इसको हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं बी से। तो बी यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज वेंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, दैट इज वेंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है ये, और इसकी जो वैल्यू है उसको भी हम लिख लेते हैं एक बार। इसकी जो वैल्यू है वो होती है 0.2892, दैट इज इन सेंटीमीटर केल्विन। और अगर हम इसको मीटर में लिखें तो करीब ये हो जाएगी 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन। सो दिस दैट वाज द वेंस लॉ। तो उन्होंने ये कहा था कि लैम्डा मैक्स जो होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, वो टेम्परेचर के साथ घटता चला जाता है। तो ये सब वहां पर हमने पहले डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर जो वेंस का कंट्रीब्यूशन है वो क्या था, वो था बेस्ड ऑन द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे बेस्ड था। तो ये किस पे बेस्ड है, दैट इज ऑन द क्लासिकल, दिस इज बेस्ड ऑन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे ये पर बेस है ये। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि इनका जो कंट्रीब्यूशन में हम जब पढ़ रहे हैं, तो क्या कहा कि जो ऑसिलेटर्स होते हैं, जो कोई भी ब्लैक बॉडी है उसका जो ऑसिलेटर्स होते हैं, ये पिछले टर्म पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था कि ऑसिलेटर्स क्या होते हैं।
उसको एक बार और समझ लेते हैं। ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? सपोज इफ वी हैव एनी ब्लैक बॉडी, अगर हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी है और अगर यहाँ पर इसको हीट करते हैं, तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे वैसे ही उसमें वेवलेंथ है वो अलग अलग उसकी वेवलेंथ निकलती हैं। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो लो वेवलेंथ निकलेगी, और एट ए लो टेम्परेचर हाई वेवलेंथ होगी उनकी। तो हमने वहाँ पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस यही किया था कि यहाँ पर इसके पार्टिकल्स माने जाएंगे, कि ब्लैक बॉडी के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मिलियंस के अंदर इसमें पार्टिकल्स होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वहाँ पर उनका ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है, और उन ऑसिलेशन की वजह से एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, और वो जो फ्रीक्वेंसी है वो एज अ रेडिएशन ही है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह रहे थे। तो यहाँ हम क्या मान रहे हैं कि जो जितने भी ऑसिलेटर्स हैं, तो हमने इन पार्टिकल्स को क्या माना था, इनको हमने माना है ऑसिलेटर्स, ठीक है। तो दीज आर नोन एज ऑसिलेटर्स, हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये हैं, बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं किसी भी ब्लैक बॉडी के अंदर। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रीब्यूशन, जो ऑसिलेटर्स हैं आर द मॉलिकुलर साइज, ठीक है। उसको माना गया कि जितने भी ऑसिलेटर्स हैं उनकी जो साइज है वो है एक मॉलिकुलर साइज है, उनकी साइज क्या है, मॉलिकुलर साइज है, दे हैव द मॉलिकुलर साइज जहां से रेडिएशंस इमिट हो रही हैं। सो ऑसिलेटर्स आर द मॉलिकुलर साइज फ्रॉम विच रेडिएशंस आर इमिटेड। तो ये तो ऑसिलेटर्स की बात हो गई कि उनको माना गया क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये एक मॉलिकुलर साइज के ऑसिलेटर्स हैं वहाँ पर। अब यहाँ से हमें एक चीज़ हम जो निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं एनर्जी रेडिएटेड। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए तो हम यहाँ पर एनर्जी रेडिएटेड निकाल सकते हैं। तो ई लैम्डा यहाँ क्या है, ये है एनर्जी, इसको हम कह रहे हैं कि ये है हमारी एनर्जी रेडिएटेड है, जो एनर्जी निकली है वो है। तो एनर्जी रेडिएटेड उसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर ई लैम्डा से, और वो किसके इक्वल है, दैट इज पर यूनिट एरिया, दैट इज पर यूनिट एरिया, क्योंकि कोई ना जो भी ब्लैक बॉडी होगी तो उसका कुछ एरिया भी होगा, और पर सेकंड, पर सेकंड। तो हम यहाँ पर एक एनर्जी रेडिएटेड का टर्म ले रहे हैं जिसको हमने डिनोट किया है ई लैम्डा से। यहां तक ये यह है हमारी एनर्जी रेडिएटेड। अब यहाँ पर विंस कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या किया गया कि सब अब ये जो भी हमारी ब्लैक बॉडी है, सपोज ब्लैक बॉडी को मैं एक सरफेस यहाँ ले लेता हूँ, ये हमारा ब्लैक बॉडी का सरफेस है। तो यहाँ से जो रेडिएशंस निकल रही है ऑसिलेटर्स के द्वारा, यहाँ पर बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं, बहुत सारे ऑसिलेटर्स यानी पार्टिकल्स जो इसके अंदर हैं, तो वहाँ से जो वेवलेंथ यहाँ निकलेगी, यहाँ से जो वेवलेंथ जो रेडिएशन इमिट हो रही है तो उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, यहाँ पर उसकी कुछ वेवलेंथ होगी। तो हम यहाँ पर एक बहुत छोटा सा पार्ट इस वेवलेंथ का ले रहे हैं, और उसी को उसमें, जैसे अगर यहाँ पर ये लैम्डा है तो यहाँ हम एक बहुत छोटा सा पार्ट उस वेवलेंथ का ले रहे हैं, तो वो है दैट इज बिटवीन लैम्डा एंड, इसको हम ले लेते हैं लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो अब हमारा जो काम है वो ये है कि इसके बीच में कितनी एनर्जी वहाँ निकली है, यानी हमें इसके बीच की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी, ठीक है। तो हमारे को जो एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो करनी है लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हमारे को यहाँ के इसकी एनर्जी वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी, और वो एनर्जी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, दैट इज ई लैम्डा से। तो इस पोर्शन के बीच में, ये छोटा सा जो एक हमने रेंज ली है, उसके बीच में जितनी भी रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी एनर्जी क्या होगी, उसी को हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो जो विंस का जो एक्सप्रेशन था उसने क्या कहा कि जो ई लैम्डा है एक पर्टिकुलर रीजन के लिए लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में, उसका जो एक्सप्रेशन है वो है
e lambda, that is equals to 8 pi hc upon lambda ki power 5 e power of minus hc upon kt lambda. So that is the expression of Wien's contribution. ये उसका expression था, ये है हमारा Wien's contribution expression to make the curve, expected curve, energy curve को बनाने के लिए. और इसको अगर आगे हम और solve करें तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, e lambda, ये हम constant ले लेंगे तो ये हो जाएगा a upon lambda की power 5 e power minus b kt. तो यहाँ पर जो a और b हैं, again these are constant, तो एक नया expression जिसको हम constant यहाँ पर ले लेते हैं a और b के term में, तो ये expression आया. तो यहाँ a and b क्या है, a and b are constant, a and b are constant, these are constant. और यहाँ पर this is k, that is Boltzmann constant, this is the temperature in Kelvin. तो ये जो expression है that is the Wien's contribution, और या Wien's expression या Wien's law हम कह सकते हैं उसको. तो यहाँ पर ये निकला, और जो e lambda है ये क्या चीज हो गई, ये है हमारी जो energy emitted हुई है, this is the energy, this is the energy emitted, this is the energy emitted. हमने एक range ली है, that is between lambda and lambda plus d lambda. तो जितना छोटा सा portion हमने लिया है उसके बीच में जो energy निकली है उसको हम इस expression से बता सकते हैं. So this is the first contribution to make the shape of energy spectra as the function of the wavelength. लेकिन यहाँ पर इसकी कुछ limitation हो गई इस expression से. अगर हम उसको check कर सकते हैं कि ये जो law था ये low wavelengths के लिए तो सही था, but it failed to explain the curves in higher wavelength. तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं कि this law, but we can say that this equation holds very well at low wavelength region, तो अगर हमारे पास low wavelength region है तो उसके लिए तो ये equation सही hold करती है, उसका सही हमारे को डाटा प्रोवाइड करती है. लेकिन बट इट फेल टू एक्सप्लेन, इट्स फेल टू एक्सप्लेन द कर्व्स इन हायर वेवलेंथ रीजन. तो यहाँ पर इसका कुछ लिमिटेशन होगी इस लॉ की, कि ये लॉ लोअर वेवलेंथ रीजन पे तो सही होल्ड कर रहा है इसका एक्सप्रेशन, लेकिन जैसे ही हायर वेवलेंथ की तरफ अगर हम बात करते हैं देन दिस लॉ फेल्स. तो ये लोअर रीजन कौन सा है, दैट इज अल्ट्रावायलेट रीजन, तो वहां पर ये एप्लीकेबल है ये, लेकिन जैसे ही हायर वेवलेंथ की तरफ जाते हैं तो ये यहाँ पर फेल हो जाता है. तो यही इसकी एक लिमिटेशन थी फर्स्ट इसकी लॉ की, Wien's लॉ की. तो यहाँ पर ये लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लो वेवलेंथ रीजन बट इट इज फेल इन हायर वेवलेंथ रीजन. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो दूसरा लॉ आया, जो दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था रेलेजीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन. और ये जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन था ये था on the basis of classical law of equipartition of energy. ये किसके ऊपर based था, that is based on classical law of equipartition
पार्टीशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी किसकी? ये है ऑसिलेटर्स ऑफ द ब्लैक बॉडी, जितने भी ऑसिलेटर्स हैं ब्लैक बॉडी के उससे रिलेटेड, तो उनका इक्विपार्टीशन, उनकी इक्विपार्टीशन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं हम? यहां पर बात कर रहे हैं ऑसिलेटर्स ऑफ ब्लैक बॉडी, तो यहां लिख लेते हैं, ये बात कर रहे हैं ऑसिलेटर्स ऑफ ब्लैक बॉडी। हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी की। तो अब हम एक ब्लैक बॉडी ले लेते हैं, सपोज ये हमारी एक ब्लैक बॉडी है, एक क्यूबिक ब्लैक बॉडी है, इसको अंदर से लैमिनेटेड है पूरा ब्लैक से, और तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये इसको हम ले रहे हैं कि दिस इज द ब्लैक बॉडी, ये हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है। सो इट हैज मैनी ऑब्वियसली पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। और जैसे ही इस ब्लैक बॉडी को हीट अप करेंगे तो ये जितने भी पार्टिकल्स उसको हम मान रहे हैं, तो ये ऑसिलेटर्स मान रहे हैं, तो एनर्जी, जैसे इसको एनर्जी गेन करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल मूव, और वो यहाँ रैंडमली इनका सभी का मूवमेंट इसके अंदर होगा, यानी इनका ऑसिलेशन होगा, यानी वाइब्रेशंस होंगे, और वो ही वाइब्रेशंस दैट विल क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो यहाँ पर इनका फास्ट मूवमेंट होगा। तो अगर हम इनका एनर्जी, अगर हम की काइनेटिक एनर्जी की बात करें सभी पार्टिकल्स की, तो हम उसको ले सकते हैं हाफ के टी, ये होती है काइनेटिक एनर्जी, इसको हम ले सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये सभी इनकी जो ऑसिलेटर्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर सकते हैं बाय के टी। लेकिन हम यहाँ पर जब हम पूरे सारे पार्टिकल्स की, जितने भी ऑसिलेटर्स इसके अंदर हैं, तो अगर हम उनकी एवरेज एनर्जी लें, तो अकॉर्डिंग टू दिस ईच वाइब्रेशन मोड पोजेस्ड ऑन एन एवरेज एनर्जी, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी टर्म्स को ना लेके हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? पूरी इस पूरे ब्लैक बॉडी की एवरेज एनर्जी को हम ले रहे हैं, तो उसको हम ले लेते हैं एवरेज एनर्जी को। तो एनर्जी, एवरेज एनर्जी दैट इज ई बार, दैट इज इक्वल टू द के टी, वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, और ई बार यहाँ पर क्या होगी? दिस इज द एवरेज एनर्जी, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये है हमारी एवरेज एनर्जी। तो ये एनर्जी किसकी होगी? एवरेज एनर्जी ये सारी ऑसिलेटर्स की, ये किसकी है? ये जितने भी ऑसिलेटर्स हैं इसके अंदर ऑफ ब्लैक बॉडी, उनकी एनर्जी है। तो जितने भी सारे वाइब्रेशंस मोड्स के अंदर हैं, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी पोजेस करेंगे, उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो हम उसकी एक एवरेज एनर्जी लेके चल रहे हैं, दैट इज ई बार इक्वल्स टू के टी, और इसको हम इक्वेशन वन डाल लेते हैं। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे क्योंकि ये जो ऑसिलेटर्स हैं तो 3D के अंदर ये मूवमेंट इनका हमेशा कंटिन्यूस के अंदर रहेगा, बहुत अलग अलग दिशाओं में, बहुत डायरेक्शंस में इसमें रहेगा, तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ मोड ऑफ ऑसिलेशंस होंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम ले लेते हैं नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ऑसिलेशंस। That is equals to, इसको हम मान के चल रहे हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो वी हैव डिफरेंट मोड्स, और उसको हम ले रहे हैं यहाँ पर dn। अब यहाँ पर भी जो वेवलेंथ यहाँ रेडिएट हो रही है, तो उसका भी हम एक पार्ट लेके चलेंगे, जैसे पहले वाले में हमने लेके चला था कि हमने यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक रेंज ले लेते हैं, तो हम यहाँ ले लेते हैं इन अ वेवलेंथ रेंज, एक यहाँ पर भी हम एक रेंज लेके चल रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा, एंड रेंज होगी हमारी लैम्डा प्लस डी लैम्डा, तो ये हमारी रेंज है, एंड दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैविटी या ब्लैक बॉडी ऑफ कैविटी।
तो हमने एक रेंज ले ली है, यहाँ पर भी हमने एक रेंज पकड़ ली है, वो है लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में। तो अब हम जो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो इस रेंज में कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोड्स हो गए ऑसिलेशन के, वो बहुत सारे हैं, तो वो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डीएन से, और सभी जो ऑसिलेटर्स हैं उसकी एक एनर्जी टर्म में ले रहे हैं, एक एवरेज एनर्जी टर्म में ले रहे हैं, दैट इज ई बार इक्वल्स टू के टी। तो हमारे पास यहाँ पर इनको हम आगे यूज करते हैं। तो डीएन जो हमारे पास है, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ऑसिलेशन है डीएन, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो होगा दैट इज इक्वल्स टू 8 पाई लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। ये हमारा नंबर ऑफ मोड ऑफ ऑसिलेशन है उसकी, जिसकी वैल्यू है 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा। और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर डाल लेते हैं। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक है एवरेज एनर्जी की आ गई है, दूसरी हमारे पास आ गई है नंबर ऑफ मोड्स की। अब हम क्या करें, अब हम एनर्जी जो है उसको हम कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ जितनी एनर्जी इमिट हुई है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर उसको हम ले लेते हैं, तो उसको हम ले लेते हैं एनर्जी एट दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ, और जो हमने एक पोर्शन लिया है वेवलेंथ का दैट इज डी एन, और वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ऑसिलेशन दैट इज डी एन इन टू ई बार दैट इज द एवरेज एनर्जी। इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 डाल देते हैं। तो यहाँ जो ई लैम्डा डी लैम्डा है वो क्या है, दैट इज द एनर्जी इमिटेड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वेवलेंथ। तो ये क्या है, एनर्जी इमिटेड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वेवलेंथ है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू उसको, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सप्रेशंस ऑफ ई बार हमारा इक्वेशन नंबर 1 था यहाँ पर, एंड डी एन क्या है, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ऑसिलेशन। तो इन दो की वैल्यूज पर इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ई लैम्डा डी लैम्डा, तो डी एन की वैल्यू क्या है, दैट इज 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा। तो ये वैल्यू आ गई डीएन की, और ई बार की वैल्यू क्या थी, दैट इज केटी। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा। अब क्या करें, डीएन इधर उसको हम इधर राइट साइड में भेजें, इसके नीचे आएगा तो डीएन यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, ई लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 पाई केटी अपॉन लैम्डा की पावर 4। तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आया, दिस इज द एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, दैट इज नोन एज द रेलेजिन्स एक्सप्रेशन। तो ये दिस इज द रेलेजिन एक्सप्रेशन निकल के आया। तो अब ई लैम्डा कंटिन्यूस टू इंक्रीज विद डिक्रीज इन द लैम्डा, तो ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे, अगर ये बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेले जीन एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर भी इसका भी फेलियर था, बट ये कहाँ पर फेल हुआ, तो उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। बट दिस लॉ इज फाउंड एग्री विद एक्सपेरिमेंट डेल्टा एट हायर वेवलेंथ। तो यहाँ पर हायर वेवलेंथ के लिए तो ये डाटा सही था, इसके लिए एक्सप्रेशन जो था, तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसको कि this law is found agree with experiment data केवल at higher wavelength region। तो यहां उल्टा है, वहां पर लोअर वेवलेंथ पे वो सही आ रहा था, बट यहां पर ये हायर वेवलेंथ रीजन पे आ रहा था। बट
unable to, but unable to explain, but unable to explain black body radiations, black body radiations curves at lower wavelength region, that is the ultraviolet region, तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है दैट होल्ड्स गुड एट हायर वेवलेंथ रीजन, लेकिन ये फेल हो गया जब हम बात करें लोअर वेवलेंथ रीजन की. तो जस्ट इट इज रिवर्स ऑफ वेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन. वेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन में लोअर वेवलेंथ रीजन पे वो होल्ड कर रहा था एक्सप्रेशन अच्छी तरह से, लेकिन वो फेल हो गया था एट हायर वेवलेंथ रीजन. और यहां पर हायर वेवलेंथ के लिए दिस लॉ इज एप्लीकेबल और एग्री, बट लोअर वेवलेंथ रीजन के लिए यानी अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए इट फेल्स. सो दिस फेलियर ऑफ रेलेजेंस थ्योरी टू एग्री विद द एक्सपेरिमेंट इज टर्म एज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ. तो यहां इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफे. तो यहां पर इसको याद रखना है कि इसको हम दूसरे नाम से भी, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम्स के अंदर कि एक्सप्लेन द यूवी कैटास्ट्रोफे, तो ये क्या है हमारा, दैट इज द रेलेजिन फेलियर है. दिस इज द फेलियर ऑफ द रेलेजिन थ्योरी टू एग्री विद द एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज नोन एज द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफे. सो दिस इज ऑल अबाउट द these two contribution, that is Wien's contribution and second is the Rayleigh jeans. अब ये जो दोनों failures थे, इसको failures को लेके Planck ने, जो हम next video lecture में पढ़ेंगे, वहाँ पर इसको सही उन्होंने explain किया. और तो next video lecture में we will discuss about the Planck contribution regarding these black body radiations curve.